हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। एक टेबल टॉप को पेंट करना है, पॉलिश करना है, ठीक है, और सर्कुलर है वो टेबल टॉप। कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर हो गया मान लेते हैं, ये टेबल टॉप है। इसका एरिया नहीं पता है लेकिन डायमीटर पता है, ठीक है। डायमीटर कितना है? 1.6 मीटर। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज 15 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, इसको पर बोलते हैं, ठीक है। 15 रुपये लग रहा है एक मीटर स्क्वायर का, पर मतलब एक होता भी है, ये जो तिरछी लाइन है इसको पर बोलते हैं, पर मतलब एक होता है। एक मीटर स्क्वायर का 15 रुपये लग रहा है, तो कितना मीटर स्क्वायर होगा उसी का आंसर आपको निकालना है। यानी अगर आप ध्यान दें तो पेंट होगा, अगर ये पॉलिश होगा तो कहाँ पर होगा? क्या ये केवल बाउंड्री पर पॉलिश होगा? जब पॉलिश होगा तो पूरे एरिया में होगा ना पॉलिश, इतना मतलब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया में ही पॉलिश होगा, ठीक है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द टेबल टॉप। अब टेबल सर्कुलर है तो सर्कुलर का एरिया फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या यूज करेंगे? दिया गया है, क्या यूज करना है? 3.14। नहीं दिया होता 22/7 यूज कर लेते, ये पाई की वैल्यू हो गई। इनटू आर की जगह क्या यूज करेंगे? 1.6 है डायमीटर, यानी 2 आर की वैल्यू क्या है? 2 आर मिलकर एक डायमीटर होता है ना, एक आर ये, एक आर ये, 2 आर मिलकर एक डायमीटर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2। और डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1.6, यानी 1.6 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आर, काटने के लिए रहने दो, यहाँ पे काट लेंगे। तो क्या लिखेंगे आर हम? 1.6 अपॉन 2, स्क्वायर है तो 2 बार, 1.6 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एरिया आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, काटते हैं इसको 2 से। जब इसको काटोगे तो 2 8 जा 16 होता है ना, और एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट पे यहाँ पॉइंट लगा दो। और इसको भी अगर आप 2 से काटें तो ये भी उतना ही आएगा, 2 8 जा 16। यानी हमें वो चीज़ करना ही पड़ा, चाहे हम यहाँ कर लेते, यहाँ भी करते तब भी वही आता है 0.8 ही, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, चाहे वहाँ करो चाहे यहाँ करो, बात एक ही। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये आके आ गया 3.14 इंटू 8 8 जा 64। एक डिजिट बाद पॉइंट यहाँ, एक डिजिट बाद पॉइंट यहाँ, यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। बस इसी का मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं रफ में, कहाँ करें मल्टीप्लाई, यहाँ कर लेते हैं। 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 से, ठीक है। तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा 12, 6 कर दो, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 3 जा 18, तो कैरी तो कुछ था ही नहीं, ऐड कर दो। ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 8 और 1 9, और 1 कैरी था, फिर से 10, और यहाँ पर 1 कैरी, इतना है। कितना है ये हमारा? 20096। पॉइंट कितने डिजिट लगेगा? 2 डिजिट पे यहाँ है, 2 डिजिट पे यहाँ है, 4 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ, 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। ये आ गया एरिया, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया मिल गया, लेकिन हमें एरिया थोड़ी बताना, हमें तो कॉस्ट बताना है ना। तो कॉस्ट तभी बता पाएंगे जब 1 मीटर का पता होगा, और 1 मीटर का दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 15 ना, 1 मीटर का उतना लग रहा है। देयर फोर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए हमें? 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो एक वाले से एक का कितना है? 15, उसी में से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2.0096, मतलब 2.00 था, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 का करना है ना, पॉइंट हम लोग बाद में लगा देंगे 4 डिजिट के बाद। तो 15 6 जा 90 का 0, कैरी 9, 15 9 जा
135 और 9 कैरी था तो कितना हो गया 144, 4 लिख दिए तो 14 कैरी आ गया। तो ठीक है 15 जीरो हो जा जीरो, 14 कैरी था तो वही 14 ही होगा, तो 14 का 4 लिखेंगे 1 कैरी आया, फिर 15 जीरो हो जा जीरो और 1 कैरी था 1 हम लिख देंगे, और 15 टू जा 30, इस बार तो कैरी कुछ था नहीं। ठीक पॉइंट कितने डिजिट बार लगेगा, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 यहाँ लगेगा पॉइंट 4 डिजिट के बाद। ठीक है इधर से यही आपका इतना रुपए लगेगा, ठीक इतना रुपए आपका लगेगा, पूरा नहीं लिखना है, जो आंसर लिखते हैं हम लोग पॉइंट के बाद दो ही डिजिट का लिखते हैं, तो 30.14 दो ही डिजिट का लिखो, ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट आपको आना भी चाहिए, आप 7th क्लास में हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे लिख कर इस तरह से करें। ठीक है जहाँ तक आपको टेबल आता है वहाँ तक तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं, कम से कम 20 तक। तो अगर आपको ये वाला ना समझा मल्टीप्लाई तो आप अलग से मल्टीप्लाई कर लेना इस तरीके से, और 4 डिजिट का पॉइंट लगा देना। ठीक ये आपका आंसर है क्वेश्चन 8 का। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद।